यू नीड टू नो कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सो प्रैक्टिस के लिए दिन में 2 घंटे 3 घंटे तो निकाल सकते हैं ना डीएसटी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बेसिकली हम अपने रिज्यूमे को भरने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, रिज्यूमे में राइट स्किल्स जो हमें आती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑन हाउ टू गेट इनटू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बाय कोडिंग निंजास। माइसेल्फ विशेष, आई विल बी टेकिंग यू थ्रू दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम पूरा रोड मैप देखेंगे कि हाउ टू गेट इनटू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें एंड क्या क्या हमें करना होगा टू गेट इन टू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सो गाइज, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड मेक श्योर यू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एज सून एज वी पोस्ट अ न्यू वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। सो गाइज, सबसे पहले टू गेट इन टू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यू नीड टू नो कि डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इन टू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। सो डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बगैर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, अकेला डेवलपमेंट से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। सो यू हैव टू स्टार्ट विद द डाटा स्ट्रक्चर। सो डाटा स्ट्रक्चर सीखने से पहले यू हैव टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे? सो फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। सो विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू विल लर्न? C++, जावा और पाइथन। सो दीज आर द 3 बेस्ट ऑप्शंस वी हैव दीज 3 ऑप्शंस, C++, Java and Python. Now, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम सीखोगे? देखो, एवरी लैंग्वेज के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं। इट डिपेंड्स कि तुम्हारा फ्यूचर मोटिव क्या है। सपोज तुम्हें बाद में जाके बैकएंड में जावा यूज करनी है या फिर तुम्हें ऐप डेवलपमेंट करनी है, वहां पर भी जावा यूज होती है। सो इट्स बेस्ट कि तुम जावा में स्टार्ट कर लो अपना DSA। अगर तुम्हारी कुछ ऐसी प्रायोरिटी नहीं है तो तुम्हें आई वुड रेकमेंड कि C++ में करो, क्योंकि C++ इन दोनों ऑप्शन से, जावा एंड पाइथन से, फास्टेस्ट है। एंड C++ में तुम्हें स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी तुम्हें यूजफुल रहती है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस करने में। सो उस चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए तुम C++ में जा सकते हो। एंड अगर तुम पाइथन में करना चाहो तो पाइथन में कर सकते हो, काफ़ी ईजी लैंग्वेज है। बट आई वुड रेकमेंड कि पहले एक बेसिक लैंग्वेज सीख लो C++ और जावा, देन पाइथन में शिफ्ट करने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा। अगर पहले ही पाइथन सीख लेना तो तुम्हें C++ थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है। सो आई वुड रेकमेंड कि C++ और जावा पहले एक सीख लो इनमें से। सो ये होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी बेसिक क्वेश्चन की। तुमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुमने फंक्शन, लूप्स, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस एंड तुमने लिटिल बिट अबाउट एरेस एंड सॉर्टिंग देख लिया, सॉर्टिंग टेक्निक्स। नाउ हमारा काम होगा, अभी हैकर रैंक पर जाएंगे, वार्म अप एंड इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। सो जो वो क्वेश्चंस होंगे वो किसी टॉपिक पर बेस्ड नहीं होंगे। उसके लिए तुम्हें डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीखने की जरूरत नहीं है। सो तुम्हें हैकर रैंक पे जाना है एंड वहाँ पर वार्म अप एंड इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। उन क्वेश्चंस को करने के बाद तुम्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट आएगा। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे DSA के क्वेश्चन ही तो करने हैं, ठीक है। सो अगर तुम्हारा शुरू से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट बनना शुरू होगा तभी तुम जाके DSA को अच्छे से समझ पाओगे एंड तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा। सो तुम्हें वार्म अप एंड इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं हैकर रैंक पर। ये होगा हमारा सेकंड स्टेप। नाउ हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? हमारा थर्ड स्टेप होगा अभी DSA सीखना। सो जो भी लैंग्वेज तुमने सीखी है उसमें तुम्हें DSA सीखना होगा। DSA में कौन से टॉपिक से स्टार्ट करोगे? सो तुम्हें स्टार्ट करना होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से, देन रिकर्शन थोड़ा बहुत समझना होगा, देन लिंक्ड लिस्ट करना होगा, देन तुम्हें करना होगा अपना स्टैक्स एंड क्यूज, देन करना होगा ट्रीज एंड बाइनरी ट्रीज, राइट, देन करना होगा प्रायोरिटी क्यूज, देन तुम्हें कुछ करना होगा आई शुड से डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड बैक ट्रैकिंग, देन तुम्हें करना होगा ग्राफ्स। सो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं DSA में जो तुम्हें कवर करने होंगे। सो गाइस, अभी यहाँ पर ना दो पाथ बनते हैं। सो एक तो पाथ है कि तुम DSA को अभी जब पहली बार सीख रहे हो तभी मास्टर करने का ट्राई करो। सो ये अप्रोच उन लोगों के लिए है जो बाद में जाके CP नहीं करना चाहते। अगर बाद में जाके तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो तुम अभी उतना DSA सीख सकते हो कि हाँ, मेरे को DSA समझ आता है, मुझे हर डाटा स्ट्रक्चर समझ आता है एंड मैं हर डाटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड इजी क्वेश्चन कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें बाद में जाके CP नहीं करनी, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करनी, तो तुम्हें अभी के अभी तुम्हें डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स मास्टर करना होगा। एंड डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स मास्टर करने के लिए तुम्हें या तो लीड कोर्स से या फिर कोर्स स्टूडियो से प्रैक्टिस करने होंगे इनफ क्वेश्चंस। सो हर टॉपिक के तुम्हें ऑलमोस्ट 20
20 to 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सो ओवरऑल इट वुड बी अराउंड 300 to 350 प्रॉब्लम्स, ठीक है? सो 25 to 30 प्रॉब्लम्स में तुम 5 to 7 इजी प्रॉब्लम्स करोगे, 10 to 15 मीडियम प्रॉब्लम्स करोगे, एंड देन 5 to 6 हार्ड प्रॉब्लम्स भी करोगे, राइट? सो इस तरह से तुम्हें DSA प्रैक्टिस करना होगा, एंड मेक श्योर यार अगर तुमसे प्रॉब्लम नहीं हो रही तो तुम उसको पहले 40 मिनट्स ट्राई करो, एंड देन कुछ टाइम के बाद, कुछ गैप के बाद फिर उसको 40 मिनट्स ट्राई करो, एंड फिर भी नहीं हो रहा तो डेफिनेटली तुम्हें सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। एंड तुम्हें सॉल्यूशन देखने में ज्यादा डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है वो प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो, ठीक है? तो सॉल्यूशन देख लिया करो, एंड सॉल्यूशन को जनरलाइज किया करो कि मैं कहाँ कहाँ इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूँ, ठीक है? ऐसा मत किया करो कि हाँ यार सॉल्यूशन देख लिया, हाँ ये क्वेश्चन हो गया, छोड़ो, ठीक है? ऐसा नहीं करना, हमें सॉल्यूशन को जनरलाइज करना है कि इस सॉल्यूशन को मैं कौन कौन सी सिचुएशन में यूज कर सकता हूँ, ठीक है? सो ये हो गया हमारा DSA सीख लिया। सो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग करी HackerRank पर, देन हमने DSA सीख लिया। अब DSA सीखने के बाद एक तो चीज है कि तुम प्रैक्टिस करने लग जाओ, ठीक है, DSA के क्वेश्चंस, एंड एक ऑप्शन है कि तुम डेवलपमेंट और इधर आओ थोड़ा, डेवलपमेंट और या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप करो। सो तुम्हारे पास देखो जो DSA की सीख ली है ना, तो अभी तुम्हारे पास कोई ज्यादा लोड नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सो प्रैक्टिस के लिए दिन में 2 घंटे 3 घंटे तो निकाल सकते हो ना DSA के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सो बाकी टाइम क्या करोगे? सो बाकी टाइम तुम्हें आइदर ऑफ द 4 जो स्ट्रीम्स रहती हैं उनको चूज कर रहा हूँ। जो 4 स्ट्रीम्स हैं मैं वो बता रहा हूँ। सो फर्स्ट स्ट्रीम उसमें आती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, सेकंड स्ट्रीम आती है वेब डेवलपमेंट, एंड थर्ड स्ट्रीम आती है ऐप डेवलपमेंट, एंड देन आता है मशीन लर्निंग। सो तुम्हें इन चारों में से किसी भी एक चीज को उठा के उसको मास्टर करना होगा, ठीक है? सो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है, सभी करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सभी करते हैं ऑन कैंपस, बट तुम्हें कुछ स्टैंड आउट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, तुम्हें डेवलपमेंट स्किल्स भी डेवलप करनी होगी, ठीक है? सो उसको डेवलप कैसे करोगे? सो आइदर तो तुम वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो, या फिर तुम ऐप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, या फिर मशीन लर्निंग, एंड या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में 5-star, 6-star ग्रैंड मास्टर या फिर कैंडिडेट मास्टर ये बनने का ट्राई कर सकते हो। ये सारी चीजें जब तुम्हारे रिज्यूमे में लिखी जाएंगी ना, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, या फिर तुमने जिन प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करा हुआ है, या फिर कुछ तुम्हारी अच्छी रेटिंग्स, कॉन्टेस्ट विनिंग, ठीक है, तुमने कोई कॉन्टेस्ट जीता है, किसी में फर्स्ट रैंक आया है, किसी में रनर अप रहे हो, किसी में थर्ड रैंक आया है, ठीक है, एंड तुम ग्रैंड मास्टर मास्टर हो, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं रिज्यूमे में लिखने से। सो इन चीजों का बेनिफिट तुम्हें उठाना होगा, ठीक है? सो ये हो गया हमारा, हमने DSA वगैरह सीख लिया, ठीक है, हमने DSA के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सो DSA के क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? LeetCode या फिर कोर्स स्टूडियो से। नाउ उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर तुम पूरा नहीं जाना चाहते तो भी थोड़ा सा करना, थोड़ा सा करने का मतलब 5 से 10 कॉन्टेस्ट देना, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट किसी भी कंपनी का, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ऑनलाइन टेस्ट दोगे ना, तो दैट इज समथिंग लाइक द कॉन्टेस्ट यू गिव ऑन Codeforces या फिर CodeChef की जो कॉन्टेस्ट देते हो उसके जैसा होगा, ठीक है? सो तुम्हें बेटर पता चलेगा कि हाउ टू हैंडल प्रेशर, जब टाइमर सामने लगा होगा ना कि कॉन्टेस्ट खत्म होने में इतना टाइम रह गया एंड इतने क्वेश्चन पेंडिंग है, सो यू वुड बी एबल टू हैंडल दैट प्रेशर। सो तुम उसके साथ यूज टू हो जाओगे, उस कॉन्टेस्ट के साथ यूज टू हो जाओगे, ठीक है? सो अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में नहीं जाना चाहते तो भी तुम 5 to 10 कॉन्टेस्ट देना, ठीक है, एंड थोड़ा वो तुम्हें पता भी लगेगा तुम्हें कितना आता है, ठीक है? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये हो गया हमारा वेब डेवलपमेंट हमने सीख ली, या फिर ऐप डेवलपमेंट, या फिर मशीन लर्निंग, एंड हमने रिज्यूमे, बेसिकली हम अपने रिज्यूमे को भरने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, रिज्यूमे में राइट स्किल्स जो हमें आती हैं। सो अभी नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स। सो कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स में मैं अगर बात करूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड आई शुड से सिस्टम डिजाइन, राइट? सो दीज आर द टॉपिक्स दैट कम अंडर computer science core subjects. So if you are from computer science branch, then it's well and good, you have some idea about these subjects, right? So if you are not from computer science branch, then you have to do these subjects. And I should add one more subject, that is object oriented programming. Okay, so how you will do these subjects? So dekho tum YouTube par videos ko bhi refer kar sakte ho, lekin core studio par guided paths hain. तो उन गाइडेड पास में ये सारे कोर सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, तुम्हें क्या वहाँ पे मिलेगा, तुम्हें नोट्स मिलेंगे, एंड देन उसी कॉन्सेप्ट के, उसी टॉपिक के रिलेटेड तुम्हें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, जो तुम वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। सो वो गाइडेड पाथ्स अगर तुम्हें समझ आते हैं, अगर तुम वहाँ से कर सकते हो, तो तुम्हें बेस्ट रिसोर्स है वो ये कोर सब्जेक्ट सिखाने का। एंड कुछ लोग क्या करते हैं ना, एप्टीट्यूड वगैरह मिस कर जाते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ों को भी हमें कवर करना है। कैसे कवर करना है? देखो
इंटरव्यू में जनरली तुमसे कुछ पजल्स पूछी जाती हैं एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू कि बस ऐसी इंटरेक्शन करनी है, ठीक है। सो वो पजल्स जो होती हैं वो ऐसा नहीं है कि खुद से बनाते हैं हर बार इंटरव्यू, वो इंटरनेट से ही उठाई होती हैं। तो तुम इंटरनेट पर सर्च करोगे पजल्स फॉर कोडिंग इंटरव्यूज, राइट, सो तुम्हें कुछ 150 पजल्स दिखेंगे, वो स्टैंडर्ड पजल्स हैं, वही कर जाना, वही इनफ है, ठीक है। सो वही पजल्स इनफ है, सो इस तरह से तुम्हारा पजल्स भी कवर हो जाएगा। एंड एक चीज बता दूं, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स और एकल, ये ना थोड़ा बहुत हाई लेवल एप्टीट्यूड पूछती हैं। जैसे गोल्डमैन सैक्स की बात करूं तो उसमें तो मेरे को थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा लगा था, उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ रखे थे, जैसे इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, ये सारा जेई वाला टॉपिक उसमें आ रखा था, ठीक है। सो एंड प्रोबेबिलिटी भी आ रखा था, सो चलो प्रोबेबिलिटी तो फिर भी लॉजिकल है, हम कर सकते हैं, बट ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले वगैरह किसी को याद नहीं थे, सो दैट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है। सो इस चीज के लिए तुम प्रिपेयर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन सभी के लिए सेम ही होता है एंड कोई प्रिपेयर नहीं करता, ठीक है। सो एप्टीट्यूड भी तुम कर लोगे एंड कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट, सो लेट मी टेल यू कि कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कॉन्करेंसी कंट्रोल। सो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में एल्गोरिथम्स भी होती हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, वो तुम कर सकते हो, लेकिन उससे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली कॉन्करेंसी कंट्रोल से रहता है। सो कॉन्करेंसी कंट्रोल में ये रहता है कि डेडलॉक क्या होता है, ठीक है, डेडलॉक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सो लॉग बेस्ड कुछ समथिंग समथिंग, ठीक है, लॉग बेस्ड कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये सब रहता है। सो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक तुम चीज पढ़ सकते हो, वर्चुअल मेमोरी, स्वैप स्वेप, स्वैप स्पेस एंड समथिंग अबाउट लाइक आई शुड से पेजिंग टेक्निक्स और LRU कैश, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। देन अगर मैं DBMS की बात करूं तो DBMS लेंथी टॉपिक है बिकॉज ऑफ SQL, सो उसमें तुम्हें SQL जो लैंग्वेज है उसको सीखना पड़ता है एंड उसके रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट्स हैं। सो उसमें तुम्हें टेबल्स को ज्वाइन करना आना चाहिए, ठीक है, किसी भी ग्रुप करना आना चाहिए टेबल में, ठीक है, एंड देन तुम्हें कुछ रोल बैक कमिट कमांड्स आनी चाहिए। ये काफ़ी थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, सब क्वेरीज, ठीक है, सीक्वल में थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है DBMS एंड तुम्हें ऑलमोस्ट 2 months लग जाएंगे DBMS कवर करने में। एंड DBMS में और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आते हैं वो आते हैं नॉर्मलाइजेशन, 1NF, 2NF, 3NF, ठीक है, एंड देन आता है हमारा इंडेक्सिंग, प्राइमरी इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड DBMS में एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्करेंसी कंट्रोल। सो कॉन्करेंसी कंट्रोल DBMS में भी इंपॉर्टेंट है, सो ये भी तुम्हें कवर करना होगा। एंड गाइज आई एम सेइंग ऑल दीज टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर गाइडेड पाथ्स ऑन कोर स्टूडियो, सो यू शुड विजिट कोर स्टूडियो वंस एंड चेक आउट द गाइडेड पाथ्स दैट आर प्रोवाइडेड टू यू फॉर दीज कंप्यूटर साइंस कोर सब्जेक्ट्स। Now let us move forward and discuss about computer networks. So in computer networks, two layers are very important, which are network layer and the transport layer. So in transport layer, we discuss about TCP/IP, and in network layer, we actually discuss about some protocols like I should say ARP protocol, address resolution protocol, and in network layer, we discuss about some other protocols as well like ICMP protocol, that is also very important. We discuss about network address translator. So these things are very important. You should know ki IP address kya hota hai. You should know about DNS and DHCP. So these are also two protocols, DNS and DHCP. So when you type google.com, now how your browser gets the IP address of google.com. So what is that process? That process is actually solved using DNS. So you should know that how DNS works. So and these are some important concepts about computer networks, and you should know how the data is transferred from one host to the another host. So if the host are within the same network or host are outside the particular network, so I mean data transfer from one network to another network or data transfer within the network. So these are important concepts, and MAC address and I should say logical address, these are also very important concepts in computer networks. So these are all important concepts that I told you in computer networks. Now coming to the system design part, so there is a lot to cover in the system design. I think you should follow the guided path. So there are only important concepts that you need to follow. So in system design, we should have little bit understanding of high level design, low level design, kya hota hai, theek hai? Architectures, different architecture, monolithic system, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, या फिर लोड बैलेंसर्स क्या होते हैं, ठीक है, कैशिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, कब यूज़ करते हैं,
थोड़ा बहुत प्रोक्सीज के बारे में, ठीक है, थोड़ा बहुत एपीआई कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सिस्टम डिजाइन में। सिस्टम डिजाइन में तुम्हें डाटाबेस के रिलेटेड पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने ऑलरेडी डीबीएमएस टॉपिक कवर करा है, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स दैट आई मेंशन नाउ। सो दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इन टू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। दे आर वेरी मच दीज कंपनीज, द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज फोकस ऑन दीज पॉइंट्स दैट आई मेंशन हियर। सो यू हैव टू कवर ऑल दीज पॉइंट्स एंड आई टोल्ड यू द रिसोर्सिस एज वेल। सो आई होप आई हैव हेल्प यू इन सम वे and you will be able to crack good product-based companies. So all the best. Thank you, guys.